5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रोजगार सहायक हुए ट्रे पीएम आवास स्वीकृत कराने और राशि खाते में डलवाने के लिए मांगी थी 10,000 रुपए की घूस। एक माह के भीतर जिले में सागर लोकायुक्त टीम की दूसरी कार्रवाई। लोकायुक्त सागर की टीम ने पवई जनपद के ग्राम पंचायत गुड़ा रोजगार सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ सोमवार की शाम गिरफ्तार किया है। रोजगार सहायक ने शिकायतकर्ता के बेटे के नाम पर पीएम आवास स्वीकृत कराने और पहली किस्त की राशि खाते में डलवाने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी रोजगार सहायक को सिमरिया बस स्टैंड के पीछे से रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। पवई जनपद के ग्राम पंचायत गुड़ा निवासी राम सिंह ठाकुर पिता सूरज सिंह ठाकुर ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिससे उसने बताया कि उनके बेटे लोकेश सिंह का नाम पीएम आवास योजना के तहत जारी सूची में आया है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक राजकुमार साहू द्वारा 10,000 की रिश्वत लिस्ट में नाम जुड़वाने एवं पहली किस्त खाते में डालने के एवज में मांगी जा रही है, जिससे वह काफ़ी परेशान है। परिवार की हालत अच्छी नहीं है, जिस बेटे के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर अन्य राज्य गया था, जहाँ से बेटे को पीएम आवास का लाभ सुनते ही घर बुलवा लिया गया। इसके बाद भी राशि खाते में नहीं आने पर उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की। सागर लोकायुक्त में राम सिंह ठाकुर ग्राम गुड़ा निवासी ने शिकायत की थी कि उनके गांव के रोजगार सहायक जो हैं साहू जी राम कुमार साहू ये राजकुमार साहू ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके बेटे की आवास स्वीकृत होना था तो स्वीकृत कराने के एवज में और किस्त डालने के एवज में 5,000 रुपये की उन्होंने मांग की थी। उसकी हमने सत्यापन किया उसका तो वो शिकायत सही पाई गई और उसी के तहत आज हमने इनको 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। इसमें धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।